नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे हेडमास्टर बहाली प्रक्रिया के बारे में। बिहार में सरकारी प्राध्यापकों की बहाली प्रक्रिया में अब बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग को एक लेटर भेजा गया है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि अब अगली बार बिहार में प्राध्यापकों यानी कि हेडमास्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होगी, तो उसमें नए बदलाव के साथ परीक्षा होगा। आपको बता दें कि इन बदलावों में परीक्षा के समय में भी बदलाव की बात कही जा रही है, साथ ही साथ परीक्षा के मार्किंग में भी बदलाव की बात कही गई है। आपको बता दें कि पिछली बार जब बिहार में 6421 पदों के लिए जब बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो उसमें मात्र 421 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए थे, जिसके बाद बिहार सरकार को एक बार फिर से परीक्षा बहाली प्रक्रिया को लेकर विज्ञापन जारी करने की बात कही गई है। आयोग की तरफ से जो बात कही जा रही है उसमें यह बात कहा गया है कि जो लोग प्रधानाध्यापक पद के लिए चयनित हो गए हैं उन्हें नवम्बर के अंतिम सप्ताह तक नियुक्त कराने की बात कही गई। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के बाद चयन होगा उसके बाद उनकी तैनाती भी तुरंत ही कर दी जाएगी। बता दें कि शिक्षा विभाग पहले से ही यह चाहता है कि माइनस मार्किंग में बदलाव किया जाए। ऐसे में अब जब लोक सेवा आयोग दूसरी परीक्षा लेने की बात कह रहा है, तो ऐसे में प्रधान अध्यापकों की परीक्षा में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रभात खबर की एक खबर की माने तो प्रधानाध्यापकों की परीक्षा के समय में बढ़ोतरी की बात कही गई है। बता दें कि पहले यह 1.5 घंटे का होता था, जो कि अब बढ़ाकर 2 घंटे की बात कही गई है। यानी कि पहले जो हेडमास्टर की परीक्षा होती थी वो 1.5 घंटे की थी, उसे अब बढ़ाकर जो है 2 घंटे की कर दी गई है। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से इस बार यह साफ कर दिया गया है कि हम इस बहाली प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ विभाग ने यह भी कहा है कि परीक्षा के दौरान होने वाली तकनीकी विसंगतियों को भी दूर किया जाए। साथ ही साथ शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि परीक्षा के दौरान माइनस मार्किंग को भी हटाना चाहिए। अगर हम उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राध्यापक के पदों की नियुक्ति को ही देख लें, तो इसी साल 31 मई को पटना में 25 केंद्रों पर लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में 13,555 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 12,547 अभ्यर्थी पास नहीं हो पाए थे। इतना ही नहीं, इसमें से 87 ऐसे थे जिन्होंने अपना OMR सीट सही से नहीं भर पाया था। ऐसे में अब जब परीक्षा के परिणाम सामने आए, तो उसमें जितने लोगों ने फॉर्म भरा था उसमें से महज 3.22% लोग ही पास हो पाए और उनकी संख्या थी 421। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वो शिक्षक हैं जो कि स्कूलों में 8 से 12 तक की अपनी सेवा दे चुके हैं, यानी कि 8 से 12 साल तक की अपनी सेवा वे दे चुके हैं। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर बोलते हुए BPSC के सचिव सह परीक्षा नियंत्रण अमरेंद्र कुमार ने बताया कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राध्यापक नियुक्ति को लेकर हमारे पास अब तक परीक्षा में होने वाले बदलाव जैसे मार्किंग पद्धति में परिवर्तन या फिर परीक्षा के समय में बदलाव को लेकर कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया है। अगर विभाग की तरफ से इस तरह का कोई भी मंतव्य आता है तो आयोग इस पर आगे विचार करेगा। बिहार में माध्यमिक स्कूलों में प्राध्यापक की नियुक्ति के साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसमें कि 40,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गई है। अभी तक इसको लेकर तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। इसमें अगर हम सीटों की संख्या को देख लें तो सामान्य वर्ग के लिए 16,204 पद खाली हैं, जबकि EWS के लिए 4,048 पदों पर बहाली होनी है। तो वहीं SC के लिए 6,477 जबकि ST के लिए 418 पद खाली हैं। वहीं अगर हम EBC के लिए बात करें तो 7,290 पदों के लिए आवेदन किए जाने की बात कही गई है। तो वहीं पे BC पद के लिए 4,861 पदों के लिए आवेदन करने की बात कही गई, जबकि BC महिला के लिए 1,210 पद रिजर्व हैं। वहीं दिव्यांगों के लिए पूरी सीट का 4% जो सीट होगा वो रिजर्व है। वो अमूमन बिहार सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन ही है जिसमें कि दिव्यांगों के लिए 4% सीटें जो है रिजर्व की गई है। तो ऐसे में हेडमास्टर की बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें अब जो है शिक्षा विभाग ने एक लेटर लिखा है BPSC को, और BPSC की तरफ से जो दलीलें दी जा रही है उसमें कहा गया है कि अगर वो लेटर मेरे पास आता है तो हम उस पर जो है विचार करेंगे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगली बार जब हेडमास्टर की परीक्षा होगी तो उसमें 2 बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। एक तो माइनस मार्किंग खत्म होगा, और दूसरा जो है जो परीक्षा 1.5 घंटे की हो रही थी वो जो परीक्षा है अब 2 घंटे में संपन्न होगी। तो ये थी हेडमास्टर से जुड़ी हुई खबर, यानी कि प्रधानाध्यापक की नियुक्ति से जुड़ी हुई खबर, बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे इजाजत, धन्यवाद।